सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान ओके चैनल को और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएं सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान ओके में। दोस्तों, आज 6 मार्च 2020 शुक्रवार की जो 5 बड़ी वैकेंसी निकली हैं, कौन कौन से विभाग में वैकेंसी निकली हैं, कितनी वैकेंसी निकली हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा और आवेदन फीस क्या होगी, पूरी जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही दोस्तों, आप इस हफ्ते का रोजगार समाचार पत्र भी डाउनलोड कर सकते हैं। रोजगार समाचार पत्र का डाउनलोड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आपको डेली इसी तरह गवर्नमेंट जॉब्स रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, आज की जो पहली वैकेंसी निकली है, महाराष्ट्र विद्युत वितरण कंपनी में वैकेंसी निकली है। महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड में 51 उपकार्यकारी अभियंता की ये वैकेंसी निकली है। शैक्षणिक योग्यता इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी में स्नातक की डिग्री आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पदों की संख्या 51 है। उपकार्यकारी अभियंता की वैकेंसी निकली है, इसका नोटिफिकेशन निकला है 6/3/2020 को और आवेदन करने की लास्ट डेट है 4/4/2020। आवेदन 20 मार्च से शुरू हो जाएंगे। आयु सीमा इसके लिए रखी गई है 35 वर्ष। आयु सीमा में छूट के लिए आपको इसका नोटिफिकेशन देख लेना है। सिलेक्शन इंटरव्यू के आधार पर आपका होगा। ऑनलाइन अप्लाई आपको इसके लिए करना है। आवेदन फीस जर्नल OBC EWS के लिए ₹500, SC ST PWD के लिए ₹250 रखी गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन और अप्लाई का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आवेदन 20 मार्च से शुरू होंगे। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों, भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL रिक्रूटमेंट निकला है। भारत संचार निगम लिमिटेड ने 100 ग्रेजुएट और तकनीशियन अप्रेंटिस के पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। शैक्षणिक योग्यता डिप्लोमा इंजीनियरिंग डिग्री इसमें मांग रखी है। पदों की संख्या 100 है। ग्रेजुएट अप्रेंटिस की पोस्टें निकली हैं, तकनीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस की पोस्टें हैं और इसका जो नोटिफिकेशन निकला है 6/3/2020 को निकला है। आवेदन की लास्ट डेट 12/3/2020 रखी गई है। आयु सीमा के लिए आपको इसका नोटिफिकेशन देख लेना है। सिलेक्शन इंटरव्यू के आधार पर आपका होगा। ऑनलाइन अप्लाई आपको इसके लिए करना है। आवेदन फीस कुछ नहीं रखी गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन और अप्लाई का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों, बिहार राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी ने ये वैकेंसी निकाली है। SHS बिहार रिक्रूटमेंट 2020 से निकला है। 865 ANM के पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। शैक्षणिक योग्यता सहायक नर्स मिडवाइफरी यानी ANM में डिप्लोमा 2 वर्ष का आपका होना चाहिए और जो इसमें पदों की संख्या है 865 पद इसमें खाली हैं ANM के। वैकेंसी निकली है 5/3/2020 को। आवेदन की लास्ट डेट है 30/3/2020। अधिकतम आयु 40 वर्ष इसमें रहेगी और आयु सीमा में छूट के लिए आपको इसका नोटिफिकेशन देख लेना है। सिलेक्शन आपका CBT टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू आपका होगा, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन आवेदन आपको इसके लिए करना है। आवेदन फीस जनरल EWS BC MBC के लिए ₹500 और SC ST PWD कैटेगरी के लिए ₹250 रखी गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन और अप्लाई का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों, वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी में ये वैकेंसी निकली है। 9 उपनिदेशक अनुभाग अधिकारी और अन्य पदों के लिए वैकेंसी निकली है। इसमें जो पदों की संख्या है 9 है। निदेशक अवर सचिव उपनिदेशक सहायक निदेशक अनुभाग अधिकारी वैकेंसी निकली है। 5/3/2020 को इसका नोटिफिकेशन निकला है। 19/3/2020 इसके लिए लास्ट डेट है। इंटरव्यू से आपका इसमें सिलेक्शन होगा। आवेदन ऑफलाइन इसके लिए होगा। आवेदन शुल्क कुछ नहीं है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों जो निकली है, हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में वैकेंसी निकली है। 943 TGT और स्टेनोटाइपिस्ट और अन्य पदों के लिए वैकेंसी निकली है। शैक्षणिक योग्यता पोस्ट ग्रेजुएट BTEC MSc BSc MCA PGDCA MS BCOM BA BEd ITI और 10th 12th इसमें मांग रखी है। अलग अलग पदों के अनुसार शैक्षणिक योग्यता रखी गई है। पदों की संख्या दोस्तों इसमें 943 है। सहायक प्रोग्रामर, कंप्यूटर सहायक, छात्रावास अधीक्षक, जूनियर ड्राफ्टमैन, जूनियर अफसर, इस तरह की इसमें बहुत सारी वैकेंसी है। आपको इसका नोटिफिकेशन देख लेना है और इसका नोटिफिकेशन निकला है 5/3/2020 को। आवेदन करने की लास्ट डेट है 3/4/2020 और आयु सीमा इसमें 18 से 45 वर्ष रखी गई है। आयु सीमा में छूट के लिए आपको इसका नोटिफिकेशन देख लेना है। सिलेक्शन दोस्तों रिटर्न टेस्ट आपका होगा, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन इसमें किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई आपको इसके लिए करना है। आवेदन फीस जनरल के लिए ₹360 और अन्य वर्गों के लिए ₹120 रखी गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन
उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं। तो दोस्तों डेली इसी तरह गवर्नमेंट जॉब्स रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे साथ बने रहें, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और इन भर्तियों से रिलेटेड आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर डेली इसी तरह से गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।